Good morning, students. How are you? I hope you are fit, fine and healthy. तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला. वर्णमाला? ये वर्णमाला क्या होता है? यही सोच रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो मैं बताती हूँ आपको कि वर्णमाला किसे कहते हैं. आ से लेके आ से अनार से लेकर और क्या ज्ञान हम जितने भी अक्षर पढ़ते हैं उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? वर्णमाला. जैसे कि मैंने आपको ए से जेड में बताया था ना, ए से जेड तक बोलने वाले को क्या बोला जाता है? अल्फाबेट्स. ऐसे हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो आ से लेकर क्या तक बोले जाने वाले सभी अक्षर वर्णमाला कहलाए जाते हैं. ठीक है बेटा, एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए, वर्णमाला. ओके, तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आ से लेकर आहा तक. ओके, आ से लेकर आहा तक. और आ से लेकर आहा तक जितने भी अक्षर हम पढ़ते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ऋषि ए ऐ ओ औ अं अहा, ये सब क्या कहलाते हैं? स्वर. ये आपको याद रखना है, है ना? आ से लेकर आतर ये सब होते हैं स्वर. अब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब कुछ और भी बताऊंगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? वर्णमाला में स्वर. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना आ से लेकर आहा तक स्वर होते हैं, है ना? लेकिन आ और आहा को क्या किया गया है? हटा दिया है और सिर्फ आ से लेके अव तक ही हम स्वर मानते हैं. जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से बताऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट इट. आ से अनार. आ से अनार दिख रहा है सबको ना? कितना प्यारा अनार है, मुँह में पानी आया है ना सबके. आ से अनार. इसमें आ कहाँ है? ये है छोटा आ, छोटा आ. और आ से क्या होता है छोटे आ से? अनार, जिसके लाल लाल दाने होते हैं. कितना मीठा मीठा होता है ना? आ से अनार के लाल हैं दाने. बोलिए मेरे साथ, आ से अनार के लाल है दाने, मन्ना आ जा इसको खाने. सब लोगों को मेरे साथ बोलना है, आ से अनार के लाल है दाने, मन्ना आ जा इसको खाने. तो देखते हैं कौन आता है. अरे ये कौन आ गया? मैं हूँ अनार. आ से अनार. वेरी गुड. तो देखा कैसे जम करके आ से अनार आ गया. अब आ से अनार के बाद क्या आता है? बड़े आ से आम. बड़े आ से आम. बड़े आ से आम. दिख रहा है आपको? बड़े आ से आम. देखा, ये लड़का आम खा रहा है और आम कैसा होता है? मीठा मीठा. तो चलिए इसकी भी एक छोटी सी पोयम पढ़ते हैं. आ से आम है कितना ताजा. आ से आम है कितना ताजा, सभी फलों का है यह राजा. आ से आम है कितना ताजा, सभी फलों का है यह राजा. वेरी गुड. अरे मुझे लगता है कोई आने वाला है. जम करते 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 कौन आ गया? बड़े आ से आम. मैं हूँ आम. बड़े आ क्या है ये बच्चों? बड़ा आ. बड़े आ से आम. तो बड़े आ से आम के बाद क्या आएगा? छोटी ई से
इमली, छोटी इसे इमली। इमली खाई है ना सब लोगों ने, कितनी अच्छी होती है, खट्टी खट्टी, एकदम मजा आ जाता है। छोटी इसे इमली, ये है छोटी ई। क्या बोलेंगे बेटा इसको, छोटी ई, छोटी इसे इमली। ई से इमली सबसे न्यारी, ई से इमली सबसे न्यारी, खट्टी मीठी प्यारी प्यारी, खट्टी मीठी प्यारी प्यारी। वेरी गुड। ई से इमली, तो ई कहाँ है, देखिए देखिए जंप करते करते ई आ गया। मैं हूँ ई, छोटी ई। चलिए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, बड़ी ई से ई, बड़ी ई से ई, बड़ी ई से ई। ईख मीन्स समझते हैं आप लोग, सबने खाई होगी ईख, गन्ने खाए हैं ना आप लोगों ने, हाँ बस वही गन्ने, उनको ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, ईख। बड़ी इसे ईख, बड़ी इसे ईख। और ये देखिए जंप करते करते ईख भी आ गई। मैं हूँ बड़ी इसे